Welcome to my channel. How are you? So, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ और उससे आप जो है क्या सीख सकते हैं. ठीक है, सो जब इस इंसिडेंट को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ. सो नथिंग वॉज दैट देर वॉज अ फंक्शन एंड समवन हु वॉज ड्रंक ही वॉज स्पीकिंग इल वर्ड्स टू अ गर्ल इन पब्लिक. ओके, आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, मैं भी वहीं पे थी और कुछ गलत वर्ड्स जो है दैट पर्सन वॉज स्पीकिंग ओके टू दैट गर्ल और आई स्टॉप हिम, आई ट्राई टू स्टॉप हिम बींग अ गर्ल. सो मैं वहाँ खड़ी खड़ी तो वो चीज़ें देख नहीं सकती हूँ ना, सो मैंने उसे रोकने की कोशिश की. यहाँ तक बात हो गई द एंड इट वर्क्ड. ओके, सो वो वाली बात जो है वहीं पे खत्म हो गई और व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. जो अब आगे हुआ वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आई डोंट नो बट जहाँ तक मैंने कंक्लूजन निकाला दैट गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन बिकॉज वो उसके साथ जो है उस चीज़ को लेके मैच नहीं कर सकती. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है ना आप उलझना अवॉइड करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं. तो अब देखिए जो चीज़ भी हुई उस सबके सामने हुई है. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तो आपके अंदर जो है उस चीज़ का वो आपको अफेक्ट तो करेगी, आपको डिस्टर्ब तो करेगी. ओके, सो व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट कि द गर्ल वॉज ट्राइंग टू फाइट विथ मी. ओके, मुझसे उलझने की कोशिश की कि आपको क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था. ठीक है, रिमेंबर आई टुक हर साइड, मैंने उसका साइड लिया और वो मुझे को वापस बोल रही है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको क्या करना है. ठीक है, सो द थिंग इज, तो मैंने उसको बहुत सीधे शब्दों में ये समझाया कि जस्ट बिकॉज यू हैव सम नेगेटिविटी इन योर माइंड इन योर ब्रेन एंड यू आर थिंकिंग कि आप मुझे जो है वो सॉफ्ट टारगेट बना के जो है अपना नेगेटिविटी को सारा डंप करके मेरे ऊपर जा सकते हो और आप अपने आप को हल्का फील करा सकते हो, तो मेरे साथ आप ये चीज़ें मत करिएगा. ठीक है, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो. बहुत क्लियर शब्दों में और बहुत कड़े शब्दों में मैंने उसे ये समझाया और बहुत अच्छे से समझाया. ठीक है, सो मैंने उसे बोला कि लुक, डोंट डू सच थिंग्स विद मी, डोंट ट्राई सच थिंग्स विद मी. ठीक है, मेरे साथ ये करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि आप जो है अपने आप को किसी तरह से जो है फील फ्री करा सकते हो इस तरह की चीज़ें करके, तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ सॉफ्ट टारगेट. ठीक है, मैं वो टारगेट नहीं हो सकती हूँ आपका. तो मेरा आपको बताने का पर्पज यही है, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस इन माय प्रीवियस वीडियोस, जब मैं आपको फॉरगिवनेस के बारे में बता रही थी. सो कई बार क्या होता है ना कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, हमें अपने ऊपर वर्क करना है. ठीक है, हमें अपना इनर वर्क करना है, बट इट डजंट मीन कि किसी का दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी भरा हुआ है या कोई किसी भी तरह से जो है आपको जो है यूज़ करके अपने सारे जो है नेगेटिविटी उसको आपके ऊपर डंप करके आपके ऊपर उड़ेल के और अपने आप को जो है हल्का फील कराने के लिए. ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा फील कर सके कि उसका इंसल्ट हुआ तो वो भी पब्लिकली किसी को इंसल्ट कर दे तो उसको अच्छा फील हो जाए. तो आपको बहुत कड़े शब्दों में ये बताना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि दैट टाइम आप अगर नहीं बोलते हो ना अपने बारे में, अगर आप नहीं बोलते हो और आप फॉरगिवनेस का जो है एक्सक्यूज देके रह जाते हो कि मुझे फॉरगिव करना था और मैंने उसको फॉरगिव किया. ठीक है, क्योंकि मैं फॉरगिवनेस पे वर्क कर रहा हूँ. फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी का कुछ भी जो है आपके ऊपर डाल के जा रहा है और आप कचरा जो है अपने दिमाग में भरा हुआ उसको आपके ऊपर डाल के जा रहा है और आप जो है बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर रहे हो. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना सेल्फ एस्टीम को क्रश डाउन नहीं करना है. ठीक है, ऑन द नेम ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस के नाम पे आपको जो है अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको किसी भी तरह से जो है हर्ट नहीं करना है, उसको खत्म नहीं करना है, उसको साइड में नहीं रखना है. आपको अपना बात रखना है क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर सकता है. ठीक है, सो आई टोल्ड दैट गर्ल प्लीज डोंट ट्राई सच थिंग्स विद मी, मैं नहीं आती हूँ इस तरह की बातों में. ठीक है, आई नो दैट आई एम राइट. आपको ये
कंफर्म होना चाहिए कि आप उस जगह पे राइट थे. एवरी वन हु वॉज प्रेजेंट देयर दे ऑल नो दैट आई वॉज राइट, है ना. सो इफ आई एम राइट, अगर मैं उस पॉइंट पे मैं जो है बिल्कुल सही थी, देन वाई. एंड बिलीव मी आफ्टर दैट वेन एवर आई एम डूइंग माई प्रेयर्स तो मैंने उसको फॉरगिव कर दिया. सामने बहुत कड़े शब्दों में मैंने उसे वो चीज़ समझाई, लेकिन अंदर से जो है मैंने उसे फॉरगिव किया है. क्योंकि हमें जो है ना अपना इनर वर्क करना होता है ना, वो इंटरनली करना होता है. क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, तो वहां पे अगर इस तरह की चीजें जो है हम पब्लिकली करते हैं कि कोई हमें कुछ भी बोल के जा रहा है और हम बिल्कुल भी जो है उस चीज को नहीं करें. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हो, अपना इनर वर्क कर रहे होते हो, तो आप कंफ्यूजन का स्टेट में चल जाते हो कि इस टाइम पे आपको बोलना है कि नहीं बोलना है. ठीक है, आपको कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग जो है इंटेंशनली आपको जो है सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कुड गेट हाईलाइटेड. ठीक है, वो हाईलाइट हो सके. तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है और किसी भी मैटर में अपना सेल्फ एस्टीम पे जो है आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. तो यही मेरा मैसेज था. क्योंकि फॉरगिवनेस का जब बात आती है ना, तो हम सीधा बोलते हैं, मैंने ही आपको बोला था कि हर बात के लिए किसी को भी आपको फॉरगिव करना है. बट इस तरह की चीजों पे नहीं, जहां पे आपका सेल्फ एस्टीम या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह से जो है क्रश डाउन हो जाए, आप जो है आपको अच्छा फील ना हो. ठीक है, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप उस जगह पे गलत नहीं थे. आफ्टर दैट बहुत अच्छे से समझाइए, और जो आपको फॉरगिवनेस पे वर्क करना है ना, वो आपको अपने अंदर करना है. ठीक है, अभी प्रेजेंट का कंडीशन ये है कि मैंने उसे पूरी तरह से फॉरगिव कर दिया. मेरे ब्रेन में कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक उसके बारे में कुछ भी नहीं है मेरे माइंड में. बट आपको ये बताने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि मुझे पता है कि सब इस तरह की कंडीशन में कभी ना कभी फंस जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि भाई हम तो फॉरगिवनेस पे काम कर रहे हैं, तो हम जो है रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो आपको उस चीज को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, बहुत स्मार्टली आपको चीजों को समझना है. क्योंकि यहाँ पे आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे, जब आप जो है अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर रहे हो, तो लोग आपको बुद्धू समझ के ना, उनके अंदर जो भी जो कचरा भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी है, उसको आपके ऊपर डंप करने की कोशिश करेंगे. और ऐसा जरूर होता है. ठीक है, सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस सिचुएशन में रॉन्ग नहीं थे, और अगर आप रॉन्ग नहीं थे तो आपको अपने सेल्फ एस्टीम को जो है वो बरकरार रखना है. ठीक है, सो कहीं पे भी आपको फॉरगिवनेस के नाम पे, या कहीं पे भी आपको जो है ना, कहीं भी आपको जो इंसल्ट जो है वो सहन करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको बहुत साफ शब्दों में बताना है, क्योंकि ओनली यू कैन डिसाइड कि आपके साथ लोग जो है कैसा बर्ताव कर सकते हैं. ओनली यू कैन अलाउ, केवल आप ही हो जो अलाउ कर सकते हो किसी को कि आप मुझे ये बात बोल सकते हो. और कभी अपने अंदर झांक के देखिएगा, जो लोग भी आप कहते हैं ना कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको आप ही ने कहीं अलाउ करके रखा होता है ऐसी चीजों के लिए कि वो आपके साथ ऐसी चीजें कर सके. ठीक है, सो ओनली यू कैन डिसाइड कि आपके साथ कौन कैसा बर्ताव कर सकता है. ठीक है, सो किसी का कभी भी ना टारगेट नहीं बनना है, शिकार नहीं बनना है. बस मेरा कहने का मतलब ये था कि फॉरगिवनेस के नाम पे आपको किसी का शिकार नहीं बनना है. ठीक है, सो थैंक यू.